औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआगो होंगे। अल्लाह पाक हमेशा आपको कायम रखे और सलामत रखे। आज मैं आपके साथ अमल पेश करने जा रही हूँ, जैसा कि हाजरात के अमल माशाल्लाह से शुरू हो चुके हैं। आपकी दूसरी सीढ़ी यानी कि पहली सीढ़ी आपकी रूहानी आँख और बातनी आँख की थी, ये आपकी दूसरी सीढ़ी है। आज उसके बारे में बात की जा रही है। हाजरात कलमाए तैयबा, सबसे पहले कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ुकात अदा करें रोज़ाना अरूज माह में। यानी अरूज माह होता है नौ चंदी जुमेरात, भी बेहतर है इस अमल के लिए, लेकिन अरूज माह चांद की पहली तारीख में भी, और जो है अरूज माह की नौ चंदी जुमेरात को भी, ठीक है। ये दो तरीके भी हैं, आप किसी भी वक्त अमल शुरू कर सकते हैं। 619 मरतबा 21 यूम तक पढ़ना है, बहनें भी पढ़ सकती हैं, भाई भी पढ़ सकते हैं। तो आप इसकी ज़ुकात अदा कर देंगे, आप आमिल हो जाएंगे। बाद विर्द में कम से कम 23 मरतबा आपने कलमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ना है। 23 मरतबा पढ़ लिया करें, अमल हमेशा आपके काबू में रहेगा और अमल में कभी भी कमजोरी नहीं आएगी। अमल का तरीका, अगर आप अपने ऊपर जब ज़ुकात अदा कर लेते हो, तो अगर अपने ऊपर आप हाजिरी करना चाहते हो तो मगरिब से कुछ देर पहले आपने बैठ जाना है। नक्श अपने सामने जो स्क्रीन पे चल रहा है आपने बना लेना है, ठीक है। आपने बिल्कुल इसी तरह नक्श बनाना है जैसा कि दिखाया गया है स्क्रीन पे, और जो हाजराती स्याही से उसके दरमियान वाले खाने को आपने काला कर लेना है, ठीक है, हाजराती स्याही लगाकर, ठीक है। उसके ऊपर अरके गुलाब माजरत के साथ वो जो इत्र मोतर यानी एक मिलता है अरके मोतर, इस ये नाम से भी मिल रहा है और इत्र के नाम से भी मिल रहा है, अत्र के नाम से भी मिल रहा है, अतरे गुलाब, ठीक है। ये आपने इस्तेमाल कर लेना है ताकि उसमें चमक पैदा हो जाए और उसमें खुशबू पैदा हो जाए, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह नक्श आपने उतार कर तो लिख लेना है। जब भी हाजरात की जरूरत जब आपको पेश आती है, तो आपने 14 से 7 साल के जो बच्ची बच्चा होते हैं अपने रूबरू उनको बिठा लो, ठीक है। सबसे पहले तरीका तो यही है कि आप पहले किसी बच्ची बच्चे के ऊपर हाजिरी करो या किसी बड़े के ऊपर हाजिरी करो, ख्वातीन हो या मर्द हजरात हो उनके ऊपर हाजिरी करो, फिर अपने ऊपर हाजिरी के जो है